अंडर 1 लाख मॉडिफिकेशन भी मिल रही है, इंटीरियर भी मिल रहा है और अलॉय व्हील भी मिल रहा है। दोनों का प्राइस सेम है 36,000 रुपए, 17 लगाओ चाहे 16 लगाओ, दोनों में आप लोगों को लगा सकते हो। ये 2023 मॉडल का क्रेटा का जेन व्हील है। ऑटो फोल्ड मिरर की भाई कॉस्टिंग पड़ती है, अगर आप पूरा बेस टू टॉप करा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 10,500। देखो सारे अपने हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन एक जो OEM होता है वो OEM होता है। इस वाला स्क्रीन कोई लगाना चाहता है तो ये वाला स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है। ये आप लोगों को स्क्रीन मिलेगी 28,000 रुपीज का। क्रूज कंट्रोल लगवाना चाहते हो 3,500 रुपए का मिल जाएगा। सारा ऑल ओवर एक्सपीरियंस को क्या रेटिंग रहेगी आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 10 ही बनते हैं। ठीक है, फुली सेटिस्फाइड है आप काम से? सेटिस्फाइड फुली। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो आकाशु की नई वीडियो। आज मेरे साथ है भाई किया कैरेंस, जो कि अपनी गाजियाबाद से है, यूपी 14 नंबर गाड़ी जाने वाली है, जिनकी गाड़ी है प्राउड ओनर आज मेरे साथ। क्या नाम है भैया आपका? रजत। रजत तो रजत भैया हमारे साथ है, ये कस्टमर हमारे गाजियाबाद से आए थे। और भैया कितना किलोमीटर होगा? 50 किलोमीटर ट्रैवल करके भाई हमारे पास न्यू स्पेस कार एसीसी पे भाई ने बेस टू टॉप करवाई है किया कैरेंस। तो भैया कितना एक्सपेंस पड़ गया ऑल ओवर सारी चीज करके? 97,000 में देख रहे हो, अंडर 1 लाख रुपीज बेस टू टॉप कर रहे हैं किया कैरेंस। तो भैया एक्चुअल में अगर बात करें, एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पर? सर्विस भी अच्छी थी, काम भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके। तो भाइयों ये एक्सपीरियंस कुछ रहता है अगर आप किया कैरेंस की मॉडिफिकेशन कराने आते हो न्यू स्पेस कार एसेसरीज पर। अभी फोकस करते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जिनकी शॉप है एक बार पहले उनसे आपकी मुलाकात करवा लेता हूँ। अमन भाई बढ़िया भाई, वेलकम टू द चैनल, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। इस गाड़ी में मैंने कस्टमर से पूछ लिया भाई 97,000 का बजट है सिर्फ 97, बिलो 1 लाख का इनका बजट था। 97 में जाके डन हो गई ये गाड़ी, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी है। जिसको हाई एंड म्यूजिक सेटअप नहीं चाहिए तो वो जो इसके अंदर हम लोगों ने करा है वो सारा सामान आप लोग भी इंस्टॉल करा सकते। तो भाइयों इसमें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अलॉय व्हील्स तक इंस्टॉल हो चुके हैं। जब 97,000 के अंदर अंदर आपको अलॉय व्हील तक यहाँ पर इंस्टॉल होकर मिल रहे हैं, तो काफी मतलब ये एक ड्रीम होता है लोगों का अलॉय व्हील लगवाना गाड़ी में, तो कई लोग बजट करके नहीं लगवा पाते। तो अब देख लो अंडर 1 लाख मॉडिफिकेशन भी मिल रही है, इंटीरियर भी मिल रहा है और अलॉय व्हील भी मिल रहा है। आओ डिटेल में कॉस्टिंग जानते हैं इन सब चीजों की भाई से, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सो भाई अगर बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से जो चेंजेस है, अमन भाई क्या चेंज करा है इसमें फ्रंट से? प्रोफाइल में सबसे पहले टॉप वेरिएंट में जो DRL एंड LED सेटअप आता है उसी तरीके का इसमें भी इंस्टॉल करा है। इसमें जो DRL हमने इंस्टॉल करी वो मैट्रिक्स वाली इंस्टॉल करी है। इसके अंदर आप लोगों को स्टार्टिंग प्राइस मिलता है जो कि 6,000 से मिलता है, लेकिन उसमें वारंटी नहीं मिलती और मैक्सिमम आप अगर ओरिजिनल लगाते हैं तो 17,000 रुपये की आप लोगों को ओरिजिनल मिल जाएगी। हेडलाइट के अंदर ऑप्शन रहता है 200 वॉट, 240, 300 वॉट, तो वो सारे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस सब में 2 ईयर वारंटी आप लोगों को मिलेगी। पार्किंग लाइट इसमें व्हाइट कलर की चेंज कर दी है। ठीक है, फॉग लाइट में डबल ऑप्शन रहते हैं, एक तो प्रोजेक्टर वाली जो आप देखते हो यहाँ लगाते हैं, एक अपनी DRL वाली जो कि टॉप वेरिएंट की लुकिंग के अंदर आती है, तो सेम वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई एक बार इंडिकेटर देकर दिखाना है इसमें क्या फीचर आता है DRL में। बाकी इसका रिस्पांस जो है हेडलाइट का आप लोग सामने देख सकते हो रोड पे, कुछ इस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिलेगा। कितने वॉट है भाई ये? भाई ये 340 वॉट की इसके अंदर इंस्टॉल करी है, हाईएस्ट ही आती है मेरे अकॉर्डिंग तो, ये है ना 340 वॉट का रिस्पांस रोड पे देख सकते हो। इंडिकेटर देना भाई एक बार। तो भाई यहाँ पर इंडिकेटर फीचर देख सकते हो आपको DRL में मिलेगा और नीचे फॉग लाइट में मिलेगा। तो ये वेरिएंट में नहीं आता फॉग लाइट के अंदर, बट ये आफ्टर मार्केट है तो इस वाले के अंदर DRL में आप लोगों को मिल जाता है ऑप्शन। ठीक है, साइड प्रोफाइल में इसके अंदर पहले 16 इंची लगाने थे, दोनों का प्राइस सेम है 36,000 रुपए, 17 लगाओ चाहे 16 लगाओ, दोनों में आप लोगों को लगा सकते हो। ये 2023 मॉडल का क्रेटा का जेन्युइन अलॉय व्हील है जो कि हुंडई का आता है। खाली कैप किया कि इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, टायर इसमें JK का 17 इंच इंस्टॉल कर दिया, बेस वेरियंट का 15 इंच हटा के। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर बात करें तो साइड मिरर में क्या चेंज करा है भाई हमने? साइड मिरर में ऑटो फोल्डिंग कैप इन्हीं की इंस्टॉल करके दोबारा इसमें लगाई है, और साथ में पूरा का पूरा ऑटो फोल्डिंग मिरर विद इंडिकेटर फंक्शन ये भी रहेगा आप लोगों का। ऑटो फोल्डिंग 1 टच पे आप लोगों की वर्किंग रहेगी, जो कि इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी वर्किंग रहने वाली है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पैनल लगाया क्या लगाया है इसमें? एक्चुअली कटिंग होती है, मेरे को ये चीज जाननी है। कटिंग होती है भाई, कटिंग इस वाले में कटिंग वाले के साथ सिस्टम इंस्टॉल होता है। ये 1 टच आप लोगों का यहीं से वर्क करेगा, स्विच आपका वापस आता रहेगा जितनी भी बार आप दबाओगे। ये आपका खुल गया, एक बार ही 1 टच पे बंद हो जाएगा, 1 टच पे आपका ओपन हो जाएगा। लॉक अनलॉक पे भी वर्किंग रहेगा, अगर आप लॉक अनलॉक के साथ वर्किंग करना चाहते हो तो लॉक अनलॉक पे भी आप वर्किंग कर सकते हैं इसकी, जैसे कि अपना लॉक पे बंद हो गया। ठीक है, ठीक है, अनलॉक पे खुल जाएगा। तो क्या कॉस्टिंग पड़ती है ऑटो फोल्ड की? ऑटो फोल्ड मिरर की भाई कॉस्टिंग पड़ती है, अगर आप पूरा बेस टू टॉप करा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 10,500, अदरवाइज 12,500। सही है यार, मतलब 12,500 में ऑटो फोल्ड मिरर मिल रहे हैं आपको। मिरर चेंज होता है इसमें? मिरर चेंज होता है क्योंकि इसमें और सेल्टोस में मोटर नहीं लगती। ठीक है जी, इधर अपने लोअर गार्निश आ गई है, ये आप लोगों को 1650 रुपए की लोअर गार्निश मिल जाती है। हैंडल क्रोम मिल जाते हैं, साइड बिडिंग आप लोगों को मिल जाती है। ये पूरी साइड बिडिंग देख लो, कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी आपको। किसी को ये सिल्वर वाली जो टॉप वेरिएंट के अंदर आती है तो वो भी हो जाएगी, टाइम देना पड़ेगा, मोल्डिंग खोल के फिर इसी के ऊपर सिल्वर पार्ट हम लोग रेडी करके देंगे। ये किया जेन्युइन है?
ये तो अपनी, ये तो हाइड्रो डिप के साथ रेडी होगी, बाकी गैलियो की लगी हुई है। ओके ओके ओके, पीछे ये वाली लगी हुई है अपनी पहले से, इसके अंदर हमारी गाली होती तो हमारी फुल आती है, और इधर से साइड में डिजाइन आता है। रिफ्लेक्टर लाइट लगा सकते हैं, डिग्गी लाइट लगा सकते हैं। पीछे का ये पहले से लगा हुआ था क्रोम, ये भी मिल जाएगा मेरे पास, डिजाइन वाला मिल जाएगा। ओके, आपको लाइट मिल रहा है ना, मेरे में ये थोड़ा डार्क होगा ये वाला डिजाइन, तो वो इससे भी ज्यादा अच्छा, मतलब आफ्टर मार्केट क्रोम भी काफी अच्छी क्वालिटी की आती है। ये भी फुल मिल जाएगी सेम प्राइस में, और ये भी आपको इससे बेटर मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर लाइट है, बेस टू टॉप करते हैं, पूरा सिल्वर करते हैं, यू वाले को, इस वाले पार्ट को ग्लॉसी करते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो सारी चीजें रहती है। अभी आप देख सकते हो भाई, बैक प्रोफाइल से सारा काम आपको दिखा दिया मैंने, और ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो भाई अंडर 1 लाख रुपीज में आप देख सकते हो अच्छा खासा काम आपको गाड़ी में देखने को मिल गया। तो अभी जो सामान निकलता है ना, बहुत लोगों की डिमांड आती है कि क्या करना है, उनको क्या करना है, बिल में काट लो भाई, प्लास्टिक होते हैं भाई, सारा वापस कर देते हैं हम लोग। और जिन लोगों ने हॉर्न लगवाए हैं, हाई लो हमने तो पूरा सेट लगाया, डब्बा एक ही पड़ा इसमें बाय चांस, वो भी किया जेन्युइन, हाँ किया हुंडई, मतलब दोनों सेम ही हॉर्न आता है, लेकिन इस पे जैसे किया और हुंडई दोनों लिखा हुआ है हमने लगाया। ये लो टोन था, इन्होंने कहा लो भी उतार के मेरे को पूरा सेट लगा दो, लो हाई का, लो मैं अपनी बाइक में लगाऊंगा, तो लो ये लेके जा रहे हैं, बाकी हमने लो हाई का पूरा सेट इसकी गाड़ी में इंस्टॉल कर। ओके, तो ये मिरर्स का क्या करेंगे भाई, बिल में कुछ एडजस्ट? नहीं नहीं, ये आपके पास है प्लास्टिक के पार्ट है, वो आप बेच सकते हैं कबाड़ वाले को। ओके, मतलब इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, तो आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेनली अपना क्या चेंजेस है, वो इंटीरियर में हुए हैं जो आपको दिखाने वाला हूं मैं, लग्जूरियस इंटीरियर गाड़ी का डिजाइन हो चुका है इंटीरियर में। सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर डैम्पिंग मिल जाएगी, उसके बाद हमारी वेलकम लाइट्स हैं, ठीक है ठीक है। फ्लोरिंग इसमें बड़ी गाड़ी में रिकमेंडेड है, बट इसमें नहीं हो रखी है। हाँ, तभी देखो डस्ट जो है सारी कारपेट पे चिपकी हुई है, ये बार बार वैक्यूम लगवाना पड़ता है, वैक्यूम लगाना पड़ता है, ये मैट कंपनी का डले हुए थे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एक एक्सेसरी के बेसिक किट के अंदर मिली हुई है, लेकिन इसकी जो देख रहे हो डस्ट कोने कोने में जा रही है, तो ये बाद में आपको दिक्कत करेगी, तो फ्लोरिंग जो है वो जरूरी रहता है, तो भाई मेनली वो फायदा रहेगा। पहले भाई आपको बताते हैं डैम्पिंग कौन से ब्रांड की है। भाई भाई डैम्पिंग हमारे पास सारे ब्रांड्स की मिल जाएगी, जो भी वन ऑफ द टॉप लाइन में रहती है, लेकिन इस वाले के अंदर हम लोगों ने डीडी ऑडियो की डैम्पिंग करी है, जो कि आप लोग अपनी गाड़ी में करा सकते हैं। 2.4 mm की थिकनेस रहती है उस वाली डैम्पिंग की, स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास 800 रुपए की, जिसकी आपको मेल्टिंग की वारंटी मिलेगी 5 years की, अदरवाइज 500 रुपए। लोग कहते हैं 400 की डैम्पिंग आ रही है, 500 की डैम्पिंग आ रही है, ना हमारे पास वो अवेलेबल है, ना हम किसी गाड़ी में रिकमेंड करते। अगर आप लगा रहे हो बेसिक क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाओ, लेकिन बिल्कुल लोकल इतना मत लगाओ कि वो आप लोगों को बाद में परेशान करे। यार मैं तो इसमें लाइफ टाइम वारंटी की वाली चीज सुनी है कहीं, भाई डीडी लगा लो लाइफ टाइम वारंटी मिल जाएगी, हाई रेस ऑडियो लगा लो, मोरेल की लगा लो, एसटीपी की लगा लो, सीटीके की लगा लो, ये सारे ब्रांड्स है, ट्राइड एंड टेस्टेड, पैरामेट, ठीक है, लोकल मतलब जो अपने पास है, वो भी अवेलेबल है। हाँ, ब्रांड सारे मिलेंगे, लोकल में आप लोगों को 500-600 वाली सीटें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अभी इस गाड़ी का लग्जूरियस इंटीरियर में आप देख सकते हो, सीट कवर हो चुके हैं यहाँ पर, ड्यूअल टोन सीट कवर्स हैं, इंक्लूडिंग इसमें कॉफी कलर जो है आपका बेसिक रहने वाला है, और ऊपर हेडरेस्ट, और साइड में देख सकते हो आप एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर कैसे आपको पहचानना है, ये देख सकते हो यहाँ पर जो आपको है परफोरेशन मिल जाती है, तो इससे आप देख सकते हो कि ये आपका एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर इंस्टॉल हुआ है, जिसमें आपको ड्यूअल टोन डिजाइन देखने को मिलने वाला है। और अभी इसको पीछे करके आपको यहाँ पे डिजाइन दिखाता हूँ, किसी भी भाई को अगर ये पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। और अगर बात करते हैं अमन भाई, क्या स्पेसिफिकेशन है फोमिंग वगैरह में? फोमिंग भाई 20 mm की रहने वाली है, फैब्रिक इसमें मसाई लेदर यूज हो रखा है, सेंटर पार्ट पूरा परफोरेटेड दिया जैसा टॉप वेरिएंट में आता है, और इस वाले के अंदर फोमिंग डाल के, इसके अंदर थोड़ी सी हार्ड फोम सेंटर वाले में डाली क्योंकि बकेट वाला डिजाइन ज्यादा निकालना था कस्टमर को, बाकी हमारी नॉर्मल हाई डेंसिटी वाली फोम रहती है जो कि 20 mm रहेगी आप लोगों की एज स्टैंडर्ड, ठीक है। पीछे की फिटिंग भी टंबल वंबल आप लोगों का पूरा प्रॉपर वर्किंग रहेगा, फिटिंग सबकी आप लोगों को बढ़िया मिलने वाली है, ठीक है जी। ये प्रॉपर फिटमेंट है सीट कवर्स की। अभी बात करते हैं इसमें स्टीरियो की, तो स्टीरियो की अगर बात करें भाई, स्टीरियो में क्या चेंजेस है? भाई स्टीरियो इसके अंदर हम लोगों को, अगर आप लोग ये वाला स्टीरियो लगाना चाहते हैं, काफी लोग कहते हैं भाई ब्लो पंक लगा दो और हाइपरसोनिक लगा दो, डायमंड टू के लगा दो। देखो सारे अपने हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन एक जो OEM होता है वो OEM होता है। इस वाला स्क्रीन कोई लगाना चाहते हैं तो ये वाला स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है, ये आप लोगों को स्क्रीन मिलेगी 28,000 रुपीज की, जिसमें आप लोगों का एप्पल कारप्ले आप लोगों को वर्किंग मिल जाएगा, DRBM वर्किंग मिल जाएगा, फोन डायरेक्टली आप जैसे गाड़ी चलाते हुए यहाँ फोन अगर आपका कनेक्टेड है तो आपको कॉल वॉल करनी है, वो सब वर्किंग आप लोगों को इसमें मिल जाता है। एप्पल कारप्ले से नेविगेशन, रेडियो वीडियो आप लोगों को फुल्ली वर्किंग उसके इसके अंदर मिलेगा। स्टेयरिंग कंट्रोल इसके अंदर फुल्ली वर्किंग आप लोगों को मिलता है, अभी तो मीडिया नहीं चालू, मीडिया चालू होता तो आप लोगों को मिल जाता, ठीक है। ये देख लो अभी मीडिया भी कोई कनेक्टेड नहीं है, रेडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ, FM पे पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये मीडिया चालू हो गया, ये इस तरीके से कैसे हो रहा है? अच्छा स्टीयरिंग से, ओके। तो वो जब मीडिया पे आ जाएगा, एंड्रॉइड में तो क्या होता है म्यूट, कोई पीछे ना चल रहा हो तब भी आप लोगों का वॉल्यूम शो करता है, वॉल्यूम स्क्रीन में नहीं करता, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल इन्होंने लगवाया, क्रूज कंट्रोल लगवाना चाहते हो 3500 रुपए का मिल जाएगा, ये आपको लगाना है, ये आप लोगों को 2000 रुपए का मिल जाएगा, ठीक। स्टीयरिंग रैप जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया वो जिगजैग के अंदर इंस्टॉल किया, सिंगल कॉफी कलर रखा है इसमें डुअल, क्योंकि ब्लैक के साथ ब्राउन का इतना कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है ना, फुल ब्राउन में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो इसमें डन करा है।
JBL का कंपोनेंट कोएक्सल आप लोगों को मिल जाएगा। JBL की स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को 1800 से हमारे पास मिल जाएगी। स्पीकर्स की भी स्टार्टिंग प्राइस 1500 से मिल जाएगी। हाई एंड में हमारे पास आप लोगों को हरमन गार्डन के स्पीकर मिल जाएंगे, JBL के मिल जाएंगे, जलोडियो के C1 C2 C1 SE सारे मॉडल्स अवेलेबल उसके मिल जाएंगे। मोरल का मैक्सिमम मिल जाएगा, अल्ट्रा मिल जाएगा, MK2 MK3 सेट मिल जाएंगे, डायरेक्ट फिट के सेट मिल जाएंगे। सोनी ES मिलेगा, सोनी ये साइरस ऑडियो मिल जाएगा 29500 का आप लोगों को। ओके तो भाई देख रहे हो रेट्स कितने हो भाई, ओपनली दे रहे हैं भाई अपने। ये चीज भाई बहुत बढ़िया लगती है मेरे को यहाँ की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर अंदर बैठ के एलईडी का थ्रो दिखाओ तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिपर विदाउट डिपर कुछ इतना थ्रो रहने वाला है। हाँ। ये बल्ब जो है आप व्हाइट करवा सकते हो, पीछे का भी व्हाइट करवा सकते हो। हाँ। ये चॉइस रहती है, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है ये चीज का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसी को इसमें टेक्नो पियानो चाहिए हो, ये कलर देखो क्योंकि ब्लू थोड़ा थोड़ा अजीब सा बन रहा है, कॉम्बिनेशन इस समय बन नहीं पा रहा, ब्लैक ब्राउन ब्लू। हाँ। तो इसमें डैशबोर्ड की कमी एक जरूर लग रही है। डैशबोर्ड को भी अगर जैसे ब्राउन को इंटीरियर करा रहे तो डैशबोर्ड वाला पार्ट, सॉफ्ट टच वाला पार्ट और ये सारा आप लोग ब्राउन के साथ ले सकते हैं। इसके ऊपर भी आप लोगों का हाइड्रो टिप हो जाएगा। ग्लोसी कराते हो 5500 रुपए का डैशबोर्ड है, हल्के वाला ग्लोसी कराते हो जो क्रोल बाग में चलता है ओपनली 3500 रुपए का डैशबोर्ड है, और जो आप हाइड्रो टेक्नो प्रिंट लेते हैं वो अगर आप लेते तो 18500 रुपए का वो मिलेगा। टेक्नो पियानो चीज लगती है थोड़ी सी, टॉप मॉडल की फील पूरी कंप्लीट करती है टेक्नो प्रिंट। वो अगर कोई क्लियरली बहुत जोर लगा के देख रहा है तो उसको टेक्नो प्रिंट दिखता है, लेकिन अदरवाइज वो 5500 रुपए वाला क्वालिटी और टेक्नो प्रिंट वाला ऑलमोस्ट सेम है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, अभी जो है इस पे आप देखोगे वुडन कराओगे तो वो भी मेरे हिसाब से बढ़िया लगेगा। हाँ। इंटीरियर में तो नेक्स्ट अगर बात करते क्या लगाया भाई हमने इसमें, और इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप इसके अंदर लगा सकते हैं एम्पलीफायर बूफर, अगर आप लोग किकर की पेटी लेना चाहते हैं, किकर की काफी स्लिम हमारे पास बॉक्स आ चुका है वो लगा सकते हैं। बूट स्पेस भी कम है गाड़ी में। हाँ, ऑटोमेटिक IRVM लगा सकते हैं। ठीक है, बैक वाइपर लगा सकते हैं। ठीक है, केविन लाइट व्हाइट हो सकती है। ओके, और रूफ ब्लैक और जो कस्टमाइज फुल इंटीरियर होता है ब्लू कलर, चेरी कलर, बरगंडी कलर या फिर ग्रीन पर्शियन ब्लू, जो भी आप लेना चाहते हैं टील ग्रीन, तो वो सारे कलर्स का फिर कस्टमाइज इंटीरियर जिसमें 2 दिन का टाइम लगेगा वो भी करा सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो काम होता है सारा सिंगल डे का काम होता है, जो आप काइंड ऑफ बेस टू टॉप, ये वाली है नहीं पूरी एक्चुअल बेस टू टॉप लेकिन काइंड ऑफ कह सकते हैं, तो बिलो 1 लाख आप लोग जो चीजें गाड़ी में लगा सकते हैं वो ये रहने। ठीक है भाई, मेरे को कुछ फीचर्स बताओगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? भाई इसमें रेडियो चल जाएगा आप लोगों का, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो नेविगेशन, वायरलेस चलेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के अंदर डिपेंड करता है आपका फोन सपोर्ट करता है एंड्रॉइड वायरलेस की नहीं करता, अगर करता होगा तो वो भी वायरलेस चलेगा। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो सेटिंग के अंदर आप लोगों को दिखा देता हूँ, साउंड की सेटिंग इसी में मिल जाएगी, जनरल मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लाइमेट आप लोगों का इसके अंदर वर्किंग नहीं रहेगा क्योंकि इंटरनल एयर सर्कुलेशन ऑटोमेटिक वेंटिलेशन जो है वो आप लोगों को ऑटोमेटिक एसी के अंदर वर्किंग मिलेगा। ओके, ठीक है। तो यह बाकी उसमें जनरल में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जनरल में आप लोगों का सिस्टम इन्फो आ गया ये वाला है, इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, मॉडल है, सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट जब आएगा तो आप अपडेट चेक कर सकते हैं, उसके लिए वाईफाई ये आपको दे रखा है यहाँ पे, वाईफाई लेके आप अपडेट अवेलेबल अपडेट चेक कर सकते हैं, जब भी आएगा तो अपडेट कर सकते हैं। साउंड की सेटिंग के अंदर आप लोगों को इसमें जो साउंड की सारी सेटिंग आती है वो सारी कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं इक्वलाइजर से, आप लोग ट्रैवल बेस मिड रेंज आपको कितनी रखने वो कर सकते हैं, पोजीशन किस साइड को ज्यादा साउंड इफेक्ट आपको चाहिए वो कर सकते हैं। बढ़िया, ठीक है। और भी काफी सी चीजें हैं, गाइडेंस की वॉल्यूम जैसे स्पीड जाएगी तो वो सारी चीजें होती है। तो इस समय ये पता लग रहा है कि ये सिस्टम जेन्युइन है, अंदर तक की पूरी सेटिंग खोल के दिखा दी है एक एक चीज की। हाँ। और कैमरा क्वालिटी भाई कुछ आपको इस टाइप की देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे मूविंग गाइडेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या देख रहे हो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और कैमरा भी है काफी हाई एंड जो है भाई ने लगाया हुआ है। हाँ। तो आपका अंडर 1 लाख में कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा, 1080p के कैमराज है। अगर आप 360 लगाना चाहते हैं तो फिर वही रिकमेंडेशन है, हाइपरसोनिक डायमंड वाले अपने हो गए, ग्लोपंक के कैमरे हो गए, वो सिस्टम हो गए, एथेंस के हो गए, लेकिन जो आप अगर सिर्फ बैक कैमरा चाहिए तो उसके हिसाब से सिस्टम इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है जी। सो भाई इतना काम देखने के बाद आप लोग सोचोगे कि भाई ने पैसा किसने लगाया गाड़ी में, तो ये सारे हमारे साथ है। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे मिला था तो आप काफी हैप्पी लग रहे थे इनके काम से, तो अभी एक बात मेरे को फाइनल रिव्यू जानना है सारा, ऑल ओवर एक्सपीरियंस को क्या रेटिंग रहेगी आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 10 ही बनते हैं। ठीक है, फुली सेटिस्फाइड है आप काम से? सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड। और जो वारंटी कार्ड्स होते हैं आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स, जैसे एलईडी हो गया, इनका कैमरास हो गए जो भी लगाए हैं, तो उसकी वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल गया? वारंटी कार्ड हाँ, मतलब वो देखने को, मतलब वो कर रहे हैं, वो पीडीएफ इतने हम आ गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर काम की बात करते हैं तो काम में जो लड़के लगे हुए थे, जो मालिक हैं, उनका बात करने का तरीका या फिर उसमें बहुत अच्छा है, लड़कों का भी बहुत अच्छा है, हमने 4 बार अगर किसी कारणवश 4 बार हमने कुछ पूछा भी तो जवाब बहुत पोलाइटली दोनों, चाहे मालिक हो या लड़के हो, सबने बहुत अच्छे से दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, और जो एक्सेसरीज बोली थी कि क्या जर्मन है, जैसे कि अलॉय व्हील्स है, ये ह्युंडई जर्मन, आपने क्रेटा क्या लगाए हुए हैं, तो आपने चेक किया था कि ये जेन्युइन अलॉय व्हील्स हैं इनके, जैसे ह्युंडई का लोगो, किया का लोगो चीजों पे मिलता है, वो सब चीज चेक किया था आपने? सारी चीज चेक की थी। ठीक है जी, तो एक बार फाइनल आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग देंगे भैया आपकी साइड से? 10 10 10। ठीक है जी, तो भाई इतनी कुछ थी अपनी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट किया कैरेंस मॉडिफिकेशन में। अगर यहाँ तक देख लिया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू सो मच।